राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। यहाँ दीदी की लग रही है झाड़ू, तो यहाँ पूरा अंदर से तो लगा के आ गई हैं। यहाँ जितना यहाँ भरा हुआ है सामान वो सब एक एक करके निकालती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इन्वर्टर रखा रहता है, रोज़ अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती। और शिवानी यहाँ काट रही हैं कद्दू, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है, वो भी कैरी यानी कि आम डाल के, तो काटने में लगी है। श्याम तब तक खेल भी रहा था तो बोले थे कि सब्ज़ी मैं काट ले रही हूँ। ऐसे ही मिल बांट के काम हो जाता तो टाइम का भी पता नहीं चलता, काम भी हो जाता है, क्योंकि साथ में काम करने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ ये काट रही है कद्दू। और यहाँ दीदी सारा मसाला कूटने में लगी हुई हैं, सौंठ और पिपली, बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो कि लड्डू में डलते हैं। गुड़ तो बन चुका है, जो सिठौरा बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, तो वो तो बन चुका है, लेकिन अभी लड्डू बनने बाकी हैं, जो आटे के लड्डू बनने। उससे क्या है ना कि अंदर की जितनी वीकनेस होती है वो दूर हो जाती है। दादी नानी लोग पहले के ज़माने में यही मतलब दवा यही थी कि डिलीवरी के बाद यही खिलाया जाता था। तो लड्डू की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए सारे मसाले तैयार कर रही हैं दीदी। और अब हो रहा है फ्रेंड्स दोपहर का टाइम, तो यहाँ एक एक करके सारा सामान जो ढूंढ ढूंढ के, मतलब सारी जिम्मेदारी ही दीदी उठा लेती हैं कि कोई ज़िम्मेदारी ऐसी ना रह जाए। और यहाँ चाय इनकी रह गई थी क्योंकि इन्होंने चाय पी नहीं थी, तो अब इनके लिए इन्होंने फिर से चाय बनाई हुई है। और इसके बाद में सब्जी जब बनाने जा रही थी तो दोनों बहनों में यानी तीनों में शुरू हो गई नोकझोंक। ऐसा लग रहा था कि झगड़ा ना होने वाला हो, वो भी हंसी मजाक में। ये बोल रही थी कि मैं भूल के मसाला नहीं डालती कभी भी, कभी भी सब्जी बनाती हूँ तो सूखा ही मसाला डालती हूँ। ये दीदी बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं तो घुल के ही मसाला डालती हूँ, वो भी मेरी हाथ की सब्जी खा के देखना, बस यही चल रहा था। तो मैंने कहा मैं तो सब तरीके से बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ शाम को देखिए, इसे ना कोई चीज़ बजाने वाली बस चाहिए, बहुत ही मगन हो जाता है, उसे फिर किसी से मतलब नहीं रहता। नहीं कुछ तो अपने हाथ की जो पहने हुए ना कंगन चूड़ा, उसी बजाने लगता है, बस उसे बजाने वाला चाहिए। तो शिवानी का उसे मंगलसूत्र उसे बहुत पसंद आता है, जहाँ भी बैठती है, इसलिए बोलती मैं पहन ही नहीं पाती क्योंकि ये पकड़ के ही बैठ जाता है। मैं कहीं भी बैठी होंगी ना तो सबसे पहले मंगलसूत्र ही पकड़ के बैठता है, तो इसलिए मुझे पहनने नहीं देता। ऐसा बज रहा है, का कर रही शिवानी? तेल फैल गया। किस केस के लगा रही थी? हाँ। वाइफ से पूछ रही क्यों? पूरे में हो रहा था वो। ये तो पीला 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 लग गया, पॉट्टी जैसा लग रहा है तेल का। तो अब का करोगी? जीजा के पास ले गए। बगास उसे मार आ नहीं पड़ जाए है तेल के ऊपर करेंगे जी। अब शाम की पॉट्टी का भाई ये ना चले हैं पॉट्टी। और शिवानी वाइप्स लेके यहाँ प्रैंक करने आई थी कि देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है। वो सोच रही थी कि देखिए समझ पाते हैं ये जी नहीं समझ पाते हैं। फिर में दोनों में झगड़ा भी होने लगा। फिर हम तो खुद ही लाए, हमें का डाल ले। तुम्हारे लाए। और शिवानी को खुद उल्टा भागना पड़ा, शिवानी डरवाने आई थी खुद भाग गई। फिर मंगा देंगे वीडियो में, ठीक है? अपनी जो टंकी को जरूर मनाएंगे, हमारी प्यारी प्यारी है। बैठे मगैया से मत बोलो, मार देगी ये। मैं तो उसके पैर फेर रहा था। मार देगी वो मुझे, पैर फेर, इतना मारेगी उचका देगी वो। नहीं मैं पैर फेरूंगा। नहीं नहीं मारेगी वो बहुत ज्यादा। नहीं नहीं क्या होता है मैया? नहीं कुछ ना कर रहे हो बच्चे। मौसी ने खाने के लिए बुआ जी ने क्या बनाया? बुआ जी ने कुछ नहीं बनाया। भूखी हो आज? हाँ। तो इसका मतलब तुमने भी कुछ नहीं सुबह से खाया? इतना भूखी हो? ले
लेकिन सिर पर मुझे एक चीज मिली है, सब्जी रोटी। चॉकलेट नहीं। और फ्रेंड्स अब बुरा है शाम 5 बजे का टाइम, तो यहाँ दीदी बैठ गई मशीन देके, वो सिल रही हैं बेबी के लिए लंगोटी, जिससे क्या है ना नैपकिन वगैरह और ये नहीं पहना सकते उसे अभी, डायपर वगैरह, तो ये सही रहती हैं बच्चे के लिए। तो वो बोल रही थी मैं बहुत सारी बना के रख दूँगी तो बदल बदल पहनाने के लिए हो जाएंगी। ये सारी जिम्मेदारी जो बड़े बूढ़े करते हैं वो दीदी ही निभाती है। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि मम्मी नहीं आई, आपकी मम्मी जी नहीं आई, नीलम की सासू माँ नहीं आई। मैं बता दूँ उनकी सिचुएशन आने लायक है नहीं, वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती, इतना उन्हें मतलब दिक्कत है। और इसीलिए हम सब बहनों ने यहाँ मिलके संभाल लिया कि अगर हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग महीने भर वहाँ रह सकें कर सकें, इसलिए हम लोगों ने नीलम को यहाँ रखा हुआ था। और रहा रस्म रिवाज की, तो जब है यहाँ तो हम कर देते हैं, कोई रस्म सुनी नहीं रहनी चाहिए। बाकी तो ये जाएंगी तो सारी रस्में तो वहाँ होंगी ही फिर, लेकिन जब हमारे पास है तो हम करवा ही दे रहे हैं। तो इसलिए मम्मी की सारी जिम्मेदारी दीदी ने संभाली, ऐसा नहीं है क्योंकि अगर मम्मी ठीक होती तो मम्मी ज़रूर ही आती। बाकी वीडियो कॉल पे मम्मी से बराबर बात होती ही रहती है। तो बस ऐसा ही है कि जैसे हालात होते हैं फ्रेंड्स वैसे ही हमें संभालना होता है, मैनेज करना होता है। तो अगर उतनी दूर हम लोग नहीं जा पाते तो इसलिए सब लोगों ने मिलके यहीं सारी व्यवस्थाएँ संभाल ली। सारा काम होना चाहिए, बात ये है कुल मिला के कि काम बिगड़ना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो फ्रेंड्स यही सारी बातें थी जो कि हकीकत है, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। लेकिन मन में डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास में थी सारी दीदी लोग, मेरे पास आके सारी व्यवस्थाएं संभाल लेती हैं। मायका पड़ जाता है दूर और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई 15 दिन 20 दिन रह पाए जाके। तो मैंने कहा यहाँ से मैं अपना सारा काम भी संभाल लूँगी, नीलम को भी संभाल लूँगी, दीदी लोग हेल्प के लिए है ही। और यहाँ शिवांशी देखो शाम को कितने अच्छे से बिजनेस से हवा कर रही है, मतलब उसे किसी ने भूला भी नहीं लेकिन अपने से आके बैठ गई। यही होता है प्रेम। देखिए भैया को हवा कर रही हो क्यों? अच्छा भैया को हवा कर रही हो क्यों? मच्छर खा रहे हैं क्या भैया को? किसका भैया है ये? अच्छा कर दो तो फिर तुम्हारा है। हाँ अच्छा बड़ा कौन सा भैया है और छोटा वाला? अच्छा दोनों भैया तुम्हारे हैं क्यों? सो गया है। जीरो साइज बोल रहे हो ना? हाँ इतने साइज मिल जाए, इतने में मिल जाएगा। शाम 7 बजे का टाइम, यहाँ हम लोग अभी शॉपिंग करने वगैरह खरीदने थे बेबी के लिए, अभी आई हूँ कपड़े खरीद लेते हैं। फिर मैं किसी दिन फ्री टाइम में आऊँगी क्योंकि आज तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी जितने हमें खरीदने थे वो हम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली है। और शॉपिंग करने के बाद में हमें सब्जियां भी ख़रीदनी थी तो वहीं से निकल रहे थे, मगर सब्जी भी ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग खरीद रहे थे सब्जी। और देखिए अंधेरा काफ़ी हो गया, बोलते हैं ना कि थोड़े थोड़े करके टाइम बहुत हो जाता है। तो यहाँ हमारी शॉपिंग हो गई, टाइम तो हो गया, ये है कि शिवानी है घर पर। टिंडे दौर में जो सब्जियाँ खरीदी थी सारी सब्जियाँ हमने ले ली। भैया एक टिंडे का भाव दिए हैं, ले 50 रुपए का बैग ले जाते हैं। अरे ले रहा हूँ। और फ्रेंड्स अब आ चुके हैं हम घर पर। और शिवांशी की काफ़ी डिमांड थी कि बुआ जी आज मोमोज लेके आइएगा, तो मैंने पर डे तो नहीं खिलाते इसे, लेकिन हाँ चलिए लेके चलते। तो बस मैं बाहर बैठ गई हूँ, शिवानी को बुलाई थी, शिवानी को भी खाने थे, वो भी बोले थी दीदी लेके आना, तो मैंने कहा चलो ले आओ, यहीं बैठ के खा लो सब लोग। नीलम को तो वैसे भी अभी ये चीज़ें अभी देनी नहीं है, तो सब लोग यहाँ आ गए हैं बाहर ही, और सारी फैमिली के साथ में खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ मैं निकाल के रखती जा रही हूँ। तो यहाँ सोया चाप है और मोमोज भी है, तो चलिए सब लोग खा लेते हैं। अब यहीं पे फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ ही सब्सक्राइबर के लिए बोलती हूँ ताकि कोई भी ब्लॉग मेरी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।